जय विद्यार्थी, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थी, हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024 जो कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में पेपर होने वाला। आपका 75 रंग का पेपर रहेगा, 3 घंटा समय रहेगा, 23 क्वेश्चन रहेगा, 8 पेज होने वाला है। ये आपको कक्षा 10 का है। आपका फाइनली 300 करोड़ होने वाला है, आप अपना मिला सकते हैं। और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में आपका पेपर रहेगा। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 300 आपको एडमिट कार्ड में कोड होगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आर मतलब होता है रुक जाना नहीं, -10 मतलब कक्षा 10वीं। और मैं बता दूँ कि इसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो मिल जाएगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। आपको मैं दिखा दूँ कि यदि इस पेपर को आप केवल एक बार वीडियो देख कर जाते हो एक बार, तो आप 75 में से आप 50 लेकर आओगे। और यदि आप थोड़ा मेहनत करके याद कर लेते हो थोड़ा बहुत, तो 75 में 75 लेकर आओगे। क्योंकि असली पेपर है, मैं इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपका यहीं पर याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो जब अपना एग्जाम लेकर आओगे, अपना आपको कॉपी जमा करके आओगे, जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा, उसके पास होता है आंसर शीट। वह आंसर शीट हमारे पास है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली वो आंसर शीट भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं दिखा होगा आंसर शीट, जो कि हमारे पास ही है। चलिए दिखा देता हूँ आंसर शीट में। तो ये रहा आपका आंसर शीट, जो कि आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फाइनली ये वीडियो के अंत में मिल जाएगा, सही विकल्प देख सकते हैं, रिक्त स्थान सही जोड़िए। आपको ये पूरा वीडियो के अंत में मिलेगा, जो कि अभी तक किसी ने आपको आंसर शीट वाला किसी के पास होता ही नहीं है, केवल मेरे पास है ये आपको आंसर शीट, जो कि एग्जामिनर आपका इसी से मिलान कर करके आपको नंबर दिया जाता है। आपको 4 नंबर देख सकते हो। अब रही बात, आपको 4 नंबर पे बोलते हैं 75 अंक, 30 अंक दो अंकी है, 30 शब्द लिखो, लेकिन 30 शब्द यहाँ पर लिखना नहीं होता है। यदि आप सटीक उत्तर लिखोगे तो एक लाइन में भी उत्तर लिख के आ जाओगे, देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, जिसे नहीं बनता है वो बना बना कर लिखते हैं, तो उसी पेज में कहीं पर छिपा होता है आ, तो उसी को पूरा नंबर मिल जाता है। इसीलिए बोलते हैं एक पन्ने पूरा लिख के आओ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, जो कि इसी वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको लास्ट तक देखने से बहुत यहाँ पर फायदा होने वाला है। पूरा यूट्यूब में बताऊंगा, चलिए अपना पेपर देख लेते हैं। सोल्यूशन पूरा लास्ट तक है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना यहाँ पर सही, ये आपको 75 अंक का होने वाला है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था, अपना निर्देश पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये 100% असली पेपर है। मैं कितना भी जूम कर दूँ ये फटेगा नहीं, ये देख सकते हैं, ये आपको देख सकते हैं, ये आपको वैसा के वैसे रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा, ये आपको जल्दी जल्दी आपको मैं जलाता हूँ तो साफ नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको रहा, ये आपको 1 अंक के 6 क्वेश्चन मिल जाएगा, 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको सही विकल्प में। तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरा लिख के आना है, मैं पूरा उत्तर बताऊंगा। निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोह उत्पाद, तावा उद्योग। राइट आंसर आपका चीनी उद्योग हो जाएगा, जो कि आपको लोग किसे उगा सकते हैं, चीनी उगा सकते हैं खेती करके, लोहा भी नहीं उगा सकते, सीमेंट कमाई सभी खदान से आता है, तो चीनी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का प्रमुख परिवहन परिवहन साधन है, तो सड़क है, वायुमंडल है, रेल है, पाइपलाइन है। तो आपको भारत का प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट सड़क है, सड़क पर ही सबसे लोग ज़्यादा जाते हैं, रेल में कोई कभी कभी जाते हैं, मतलब वैसे नहीं जाते हैं, सबसे ज़्यादा थोड़ा सा घर से निकलो बाहर तभी आपको सड़क पर ही देंगे, तो सड़क हो जाएगा। ठीक है, जनरल डायर यहाँ हो जाएगा, जनरल डायर का संबंध किस घटना से है, तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आपको हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी नंबर लगाइए। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, चारों पढ़ते हूँ तो लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है ना, ग्रामीण स्तर पर स्वयं शासन की इकाई है, तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ग्राम पंचायत राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको GP, यहाँ पर GDP का पूरा नाम लिखना होगा, तो आपको सकल घरेलू उत्पाद, आपको GDP आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो पता आ जाएगा, 11th में आप लोगे तो। इसके बाद आपको ये आपको सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। सामान किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश वाले स्क्रीन शॉट ले लेना है, स्क्रीन शॉट ये आपको पूरा रख लेना है स्क्रीन शॉट अच्छे से। इसके बाद आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, एक एक अंक आपको 6 नंबर है, 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ग्राम स्वराज की धारणा खाली स्थान की देन है, तो आपको बताना होगा, तो यहाँ पर महात्मा गांधी लिखना है। इसके बाद ठोस पदार्थ की तरल अवस्था में परिवर्तन कर खाली स्थान द्वारा ले जाता है, तो पाइपलाइन यहाँ पर लिखना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन खाली स्थान में शुरुआत हुआ था, तो 1942। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत। 7 दिनों की रोजगार योजना को खालिस्तान कहता है, मनरेगा यहाँ पे लिखाएगा। नगर निगम का खालिस्तान कहलाता है, तो मेयर ये वाला मेयर हो जाएगा, मेयर। इसके बाद इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही जोड़ी मिलाना है, कालम्ब इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चिपको आंदोलन वन की कटाई रोकथाम के लिए है, राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंद स्वराज, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1909। इसके बाद आपको रेट
रीडर पोस्ट, इसका राइट आंसर आपका प्रश्न दो, इसका सूचना का अधिकार, इसका राइट आंसर आपका सन 1905 में। इंग्लिश वाले इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये सत्य सत देख लेना है, पहला नंबर आपको सत्य सत लिखना है तो बहुत अच्छे से लिख लेना है, आपको एक एक अंक के छह नंबर मिलेगा, छह नंबर मिल जाएगा। जल एक नवीनतम संसाधन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको फाइनली आपको देख सकते हो, जल के नवीनीकरण संसाधन आपको सत्य हो जाएगा। कृषि तथा रोजगार एक दूसरे का पूरक है, सत्य हो जाएगा। ये आपको लाल टोपी, तिरंगा और कलंगित स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह आपको सत्य हो जाएगा। भारत की पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में लगाई गई थी, सत्य हो जाएगा। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र की नागरिकता को अपना प्रतिनिधित्व चुनना का अवसर नहीं मिला, सत्य हो जाएगा, जो कि मिला है, जो कि आपको वोट डालने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट ले लेना। एक शब्द को आपको उत्तर लिखना है तो आपको एक एक अंक तक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो छोड़ना नहीं है, मैं बोल दूंगा लिखा लिखा है, वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, जेनी का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव्स, जो कि वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कहाँ, इसका नई दिल्ली हो जाएगा। कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो आपको द्वितीय क्षेत्र में आता है। भारत में करेंसी नोट कौन सी कौन जारी करता है, तो आपको बताना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के वो संक्षेप में क्या कहते हैं, तो आईटी कहते हैं। अब इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इस बार आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समोच्च यहाँ पर जुताई किसे कहते हैं, तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने के ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखना होगा, चक अथवा वृक्षारोपण और वृक्षों की कटाई, राइट आंसर हो जाएगा। नवीनीकरण के संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखना होगा, तो इसका हो जाएगा ये संसाधन जो प्रकृति के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो समाप्त नहीं होंगे, उसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। हवा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सभी हो जाएंगे। काली मिट्टी की कोई दो विशेषताएं बताना होगा, तो इसके मिट्टी की अधिक समय तक नवीन धारण करने की क्षमता होती है, जो कि आपको जल को बना के रखता है, इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इस तरीके से काली मिट्टी हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन 8 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर आपके सामने रहा कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखना होगा। कृषि कितने प्रकार की होती है, प्रारंभिक जीविका निर्वहन, गहन कृषि जीविका निर्वहन, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि, चार प्रकार की कृषि होती है। प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि की कोई दो विशेषताएं बताना होगा, तो पहला नंबर हो जाएगा इसका उद्देश्य कृषि करके जीवन निर्वाह करना होता है, और दो नंबर हो जाएगा यदि कृषि जीविका चलाने परिवार या पोषण करने से के लिए की जाती है, तो वही हो जाएगा, ठीक है ना, दो आपको हो गया। कच्चे माल के आधार पर दो उद्योग के नाम लिखना होगा, तो कच्चे माल के आधार पर दो उद्योग को चीनी उद्योग और कागज उद्योग, दो लिख लेना है। इस बार परिवहन किसे कहते हैं ये बताना होगा, जो कि परिवहन, तो आपको परिवहन वस्तुओं या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। आधुनिक युग में परिवहन का संचार आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन गया है। इसके बाद सड़क परिवहन की कोई दो विशेषताएं बताना होगा, पहला नंबर हो जाएगा सड़क को बनाने अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा कम लागत लगती है, और दो नंबर हो जाएगा कम वस्तुओं की ढुलाई कम व्यक्तियों तथा कम दूरी के लिए परिवहन में सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधन से कम खर्चीला होता है। मतलब छोटे स्थान पर जाना, एक स्थान से सड़क से ही जाओगे, वहाँ पर वाई मार्ग पकड़ने नहीं जाओगे, ठीक है ना, इस तरीके से दो आपको हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, तो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब यह है कि आपको राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दृश्य भागों में जोड़ता है। यह प्रारंभिक सड़क तंत्र जिसका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होता है। मान लो कि आपका देश बीच में है, एक देश इस पर है, एक देश इस पर है, तो इस देश से बीचों बीच ऐसे जोड़ता है एक छोर से दूसरे छोर, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसके बाद आपको भारत के किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है, तो भारत के आयात वस्तु कच्चे पेट्रोलियम तथा उत्पादन रत्न जवाहरात धातु मशीनें एवं कृषि एवं अन्य उत्पादन शामिल है। बीटो पावर का अर्थ बताना होगा, जो कि बीटो पावर आपको ट्वेल्थ में जाओगे पढ़ने को मिलेगा, तो इसका अधिकार आपको 10 देश हैं इसमें, तो आपको बीटो क्या है, तो बीटो एक सुरक्षा परिषद है, जो कि इसमें 10 देश हैं, पूरे विश्व में उसके उन्हीं का राज चलता है। इसका आपको बहुत अच्छे से अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 12 का हो गया, अथवा आपको वीडियो का अंत उत्तर मिल जाएगा, और प्लांग शटल का अर्थ वीडियो का अंत उत्तर मिलेगा। डायमंड सुतेज सभी देखिए, इनका थोड़ा बड़ा है, जहाँ तक छोटा था तो मैंने बता दिया, इन सभी का बड़ा बड़ा उत्तर है, तो वीडियो का अंत उत्तर मिल जाएगा। और मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, निरंकुश शासन का शब्द का अर्थ लिखना होगा, या मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों के लिखना होगा। मनरेगा आपको उसी को बोला जा रहा है, जो आपको ग्राम पंचायत में कार्य किया जाता है उसी को मनरेगा बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या का आता है, तो ये आपको बताना होगा। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के वाले कारक को कौन कौन से आते हैं, वैश्वीकरण से क्या
तात्पर्य है। वनों की कटाई के कोई तीन परिणाम लिखना होगा। आरक्षित वनों की क्या तात्पर्य है? संचालित शासन व्यवस्था के तीन विशेषताएं बताना होगा। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करना होगा। स्वयं सहायता समूह के तीन कार्य लिखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीन कार्य लिखना होगा। भारत के मानचित्र पर दर्शाना होगा। काली मिट्टी, छोटा नागपुर, आपको लद्दाख, थार का मरुस्थल है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं भारत के मानचित्र में, इसको भी दर्शाना होगा, इसको दर्शाना होगा। असहयोग आंदोलन की कोई दो चार विशेषताएं बताना होगा। सविज्ञ आंदोलन बताना होगा। किसी भी राजनीतिक दल का के क्या गुण ये बताना होगा। चलिए आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, मैंने दिखा दिया यहाँ तक। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला नंबर चीनी उद्योग, दो नंबर सड़क उद्योग, तीन नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड, चार नंबर ग्राम पंचायत, पांच नंबर सकल घरेलू उत्पाद, छह नंबर उपरोक्त सभी। इसका अतिरिक्त स्थान देख सकते हैं महात्मा गांधी दोनों में, पाइपलाइन तीन में 1942, चार नंबर में भारत, पांच नंबर मनरेगा, छह नंबर में एयर। इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिला लेना है। आपको चिपको आंदोलन, वन कटाई रोकथाम, राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नेपोलियन तिहार 1815 में हुई थी। इसके बाद हिंदी स्वराज 1909 में, और ये देख सकते हो रिडर्स पेस्ट पशु रोग, आपको सूचना का अधिकार सन 2005 में। सत्य सत्य देख लेना है, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। ये आपको छह नंबर देख लेना है, सात नंबर आप देख लेना है स्क्रीन साथ, सात का अथवा, और ये आठ नंबर देख सकते हैं, आठ का अथवा देख सकते हैं, तो सात का अथवा ये आपका हो जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पे स्क्रीन साथ रख लेना है, आठ नंबर इसके बाद आठ का अथवा ये हो जाएगा, और ये नौ नंबर हो गया, इसके बाद नौ नंबर देख लेना है, इसके बाद दस नंबर, दस के बाद ये आपको ग्यारह नंबर रहा, इसके बाद ये आपको बारह नंबर देख सकते हैं, और बारह के बाद ये आपको तेरह नंबर, तेरह के बाद ये आपको तेरह के बाद चौदह नंबर, इसके बाद ये आपको पंद्रह नंबर देख लेना है, इसके बाद आपको पंद्रह का अथवा रहा, इसके बाद आपको सोलह नंबर देख लेना है, इसके बाद सत्रह नंबर अथवा सही थे, और ये अठारह सही अथवा सही थे, इसके बाद आपको उन्नीस नंबर अथवा सही थे देख लेना है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपको बीस नंबर रहा देख सकते हैं, बीस का अथवा देख सकते हैं। इसके बाद आपको इक्कीस नंबर देख लेना है, आपको थोड़ा इसको अच्छे से मिलाना है, मैं आपको जुमाउट करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन शॉट में आ जाए, ये रहा, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो आप ले लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन को चलता हूँ, ये आपको देख सकते हो अगला क्वेश्चन, तो आप इसको भी स्क्रीन शॉट ले लेना। इसके बाद आपको ये हो गया, आपको आखिरी प्रश्न, ये आपको असहयोग आंदोलन प्रारंभ, ये आपको देख लेना है, और ये देख लेना है बाईस नंबर, इसके बाद तेईस नंबर, इसके बाद अथवा नंबर देख लेना है, यहाँ पर अथवा नंबर देख लेना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा विद्यार्थियों, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो विद्यार्थियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।